आज नेक्स्ट मेथड है आपका ड्रॉप वेट एंड ड्रॉप काउंट मेथड। ड्रॉप वेट एंड ड्रॉप काउंट मेथड। लिखा ड्रॉप वेट एंड ड्रॉप काउंट मेथड। आपको ये डायग्राम दिख रहा है? अभी पीपेट तो पता होगी ना आप लोगों को। हाँ, तो ये कुछ उसी टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है जिसे आप स्टेलेक्मोमीटर कहते हो, ठीक है ना। ये क्या होता है, बीच में थोड़ा सा राउंड शेप का होता है, ठीक है, और ऊपर नीचे से आपका इक्वली होता है ये। इसमें आप लोग क्या करते हो, वाटर ले लो, चाहे तो आप बेंजीन हो गया या क्लोरोफॉर्म, इनको क्या करते हो आप लेते हो पहले, तो ठीक है ना। इसमें आपके दो पॉइंट होते हैं, ए और बी होता है, मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, कैपिलरी आपकी क्या होती है, यानी कि कैपिलरी में आप क्या करते हो, शक करते हो, अल्कोहल हो गया या वाटर हो गया, उसको क्या करोगे, मेज़र करोगे, ठीक है ना। इसमें दो मार्क होते हैं आपके, ए और बी मार्क। हेलो, हेलो, इसमें क्या होता है आपके ए और बी मार्क होते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होता है, इसके अंदर वाटर को फिल करना होता है, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा वाटर या फिर कोई भी आपका लिक्विड सब्सटेंस है, यानी कि आपका बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया या कोई आपका इथेनॉल हो गया, इसको आप क्या करोगे, फिल करोगे इसमें। तो आपको इसके थ्रू क्या करना होता है, उस लिक्विड का वेट, ठीक है, या फिर वेट, या तो आपको उसकी जो वेट की काउंटिंग होती है, कितने नंबर्स ऑफ आपके क्या होते हैं, जो आपकी बूंद गिरती है उसमें से, उसे काउंट करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है आपका, इसमें लिखो पहले फर्स्ट मेथड है आपका ड्रॉप वेट मेथड, ड्रॉप वेट मेथड। अब आप लोग को पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू 2πr γ होता है, मैंने आपको सरफेस टेंशन में लिखवाया था, W इज इक्वल टू, हाँ मतलब W यानी कि वेट है आपका, ठीक है। आप अभी वेट कर रहे हो, जो आपका क्या है ड्रॉप का जो वेट है उसे लिख रहे हो, उसे काउंट करोगे अभी, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 2πr γ। लिखा, अब नीचे, अब नेक्स्ट लिखना गामा इज इक्वल टू W अपॉन 2πr।
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सरफेस टेंशन निकाल रहे हैं किस मेथड से, वेट काउंट और वेट ड्रॉप मेथड से। ठीक है, तो सरफेस टेंशन यानी कि आपका किससे डिनोट करता है, आप उसे गामा से डिनोट करते हो। तो गामा इज इक्वल टू वेट अपॉन 2πr। इतना लिखा। इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है ना, कि आपकी जो लिक्विड की डेंसिटी है यानी कि वाटर की, और जो आपकी क्या होते हैं अल्कोहल या बेंजीन हो गया, जो लिक्विड होते हैं इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम इन्हें सिर्फ काउंट करते हैं। एक आपका टेस्ट मटेरियल होता है, एक आपका क्या होता है स्टैंडर्ड मटेरियल हो जाता है। तो अभी तो आपने सिर्फ क्या लिखा है, गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 2πr लिखा है। ठीक है, अब सपोज़ करो आपका डब्ल्यू क्या है, टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट सैंपल है। ठीक है, डब्ल्यू वन में लिखो, ड्रॉप वेट इज, ड्रॉप वेट इज अननोन सैंपल, अननोन सैंपल, ये डब्ल्यू वन है। ठीक है, और डब्ल्यू टू क्या है आपका, लिखो, डब्ल्यू टू इज इक्वल टू ड्रॉप वेट इज रेफरेंस या फिर स्टैंडर्ड, जो आपका सॉल्यूशन होगा या जो आपका स्टैंडर्ड जो लिक्विड होगा। ठीक है ना, मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। ये देखो, आप लोगों ने अभी क्या लिखा, W इज इक्वल टू 2πr गामा लिखा है। लिखा है ना, गामा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सरफेस टेंशन होता है। तो गामा इज इक्वल टू W अपॉन 2πr, इतना लिखा आप लोगों ने, गामा इज इक्वल टू W अपॉन 2πr, ये आपका क्या है, सरफेस टेंशन है। ठीक है ना, तो हमें क्या कंपेयर करना है, जो आपका टेस्ट सैंपल है वाटर प्लस जो आपका स्टैंडर्ड सैंपल होगा, चाहे वो आपका अल्कोहल हो, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, चाहे एक्स वाई जेड कोई सा भी हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं उन दोनों में से कि किस वाले सैंपल का जो ड्रॉप है उसका क्या हो रहा है, वेट ज़्यादा या कम आ रहा, कंपेयर करना होता है केवल। तो अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, गामा वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अपॉन 2πr, गामा वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अपॉन 2πr। लिखा, उसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन से, गामा टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन 2πr, गामा टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन 2πr। अब नेक्स्ट लाइन से लिखना, अब हमें कंपेयर करना है क्योंकि, ठीक है ना, तो इसमें लिखो, गामा वन अपॉन गामा टू इज इक्वल टू गामा वन अपॉन गामा टू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अपॉन 2πr, डब्ल्यू वन अपॉन 2πr अपॉन
डब्ल्यू टू अपॉन टू पाई। मैंने आपको अभी गामा वन और गामा टू की वैल्यू बताई है ना, तो आप क्या करोगे, गामा वन अपॉन गामा टू इज इक्वल टू, गामा वन के आगे क्या लिखोगे, गामा वन की वैल्यू लिखोगे डब्ल्यू वन अपॉन टू पाई आर, अपॉन करके उसका डब्ल्यू टू अपॉन टू पाई आर। डब्ल्यू टू अपॉन टू पाई आर, ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वेट तो आपका चेंज होगा लेकिन जो आपका उसका एरिया होगा, रेडियस होगा, वो तो सेम होगा। कैपिलरी के अंदर जो फील हो रहा है, जो सरफेस पे फील हो रहा है, वो तो आपका सेम होगा ना, तो इसलिए आपका टू पाई आर से टू पाई आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, गामा वन अपॉन गामा टू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू, गामा वन अपॉन गामा टू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू। लिखा, ये आपका था ड्रॉप वेट मेथड, यानी कि हम जो आपकी कैपिलरी होती है, फिर जो आपका प्रीपेड होता है, उसमें आप जो क्या करते हो, पहले वाटर को शक करके क्या करते हो, उसमें फिल करते हो ना कैपिलरी में या फिर आपके प्रीपेड में, उसके बाद फर्दर क्या करेंगे हम, उस वाटर की या फिर उस लिक्विड की जो क्या होती है ड्रॉप, यानी कि सिंगल ड्रॉप जो होती है, उसको वेट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, वो कौन सा यूज़ करते हैं, गामा वन अपॉन गामा टू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू, यानी कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड अपॉन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, कंपैरिजन करना है हमें दो लिक्विड के बीच में, ठीक है ना। जो आपका एक टेस्ट होगा, दूसरा आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड लिक्विड होगा। यह आपका क्या था, ड्रॉप वेट मेथड। नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉप काउंट मेथड। ड्रॉप काउंट यानी कि कितने नंबर्स ऑफ ड्रॉप प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो आपके 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है कि आपके उस ट्यूब में जो आपकी वाटर है, ठीक है, वाटर की जो डेंसिटी होती है उस पे बेस्ड होगा कि जो आपकी बूंद टपक रही है किसमें से, आपके प्रीपेड में से, वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, वो उसकी अमाउंट पे बेस होगा, ठीक है ना। तो सेकंड मेथड है आपका ड्रॉप काउंट मेथड। फॉर्मूला आपका सेम लगेगा जो मैंने आपको ड्रॉप वेट मेथड में बताया था, W इज इक्वल टू टू पाई आर, W इज इक्वल टू टू पाई आर लिखा इंटू एन लिख दो, जहाँ पे आपने टू पाई आर लिखा है ना, वहाँ पे इंटू एन लिख देना, स्मॉल एन लिख दो, आपको वहाँ पे नंबर्स ऑफ है ना, ठीक है। आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था, डब्ल्यू इक्वल टू टू पाई आर गामा, इसी फॉर्मूले में आपको क्या पुट करनी होती है, पहला तो आपने क्या निकाला था, वेट निकाला था जो ड्रॉप का वेट है, दूसरे में आपको क्या करना है, काउंट निकालना है, ठीक है, यानी कि जो आपके ड्रॉप है टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप कितनी प्रेजेंट है आपके प्रीपेड में। तो उसमें लिखो, अब आप पहले क्या लिखा, डब्ल्यू इज इक्वल टू टू पाई आर लिखा, डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू टू पाई आर गामा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, लिखो डब्ल्यू को इधर ला दोगे
अपॉन में और गामा को इधर ला दोगे, तो गामा इज इक्वल टू यानी कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 2πr इंटू एन। लिखा डब्ल्यू अपॉन 2πr इंटू एन, ये नंबर क्या है यहाँ पे, नंबर्स ऑफ ड्रॉप जो कि आपको काउंट करनी है, ठीक है ना। अब आप लोग को पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी यानी कि मास इंटू, क्या होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू, मास इंटू जी का क्या मतलब होता है, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है ना। हाँ तो लिखो W की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी आपकी, एम जी अपॉन टू पाई आर इंटू एन। और आपको पता है कि हमारा m जो आपका मास है वो क्या होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बताया था ना, m इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। तो लिखो फर्स्ट लिखा आपने गामा इज इक्वल टू वेट अपॉन टू पाई आर इंटू एन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो गामा इज इक्वल टू रो वी इंटू जी यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी अपॉन टू पाई आर, लिखा टू पाई आर एन। लिखा टू पाई आर एन। अब हमें क्या करना है, नंबर्स ऑफ जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड में आपके कितने नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, जो आपकी बूंद्स होती है यानी कि ड्रॉप्स होती है, उन्हें काउंट करना होता है। तो अब हम क्या लिख देंगे फॉर्मूले में, जो आपका एन हो जाएगा वहाँ पे आप क्या करोगे, एन वन लिखोगे, जो आपका रो यानी कि जो डेंसिटी हो जाएगी उसे क्या करोगे आप लोग, वन लिखोगे, क्योंकि क्या होता है किसी भी लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, चेंज होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पे क्या जाएगा आपका, लिखो गामा वन इज इक्वल टू यानी कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू रो वन, ये गामा वन इज इक्वल टू रो वन इंटू वी इंटू जी अपॉन टू पाई आर एन वन। लिखा और नेक्स्ट से लिखना गामा टू इज इक्वल टू, गामा टू इज इक्वल टू रो टू वी इंटू जी अपॉन टू पाई आर एन टू। रो टू वी इंटू जी अपॉन टू पाई आर एन टू। लिखा एन आपके क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, और आपने वन और टू क्यों लिखा, क्योंकि आपको कंपेयर करना है, ठीक है ना, जानकि दो आपके अलग अलग लिक्विड्स हैं उनमें आपको कंपेयर करना है, तो इसलिए आपने वहाँ पे नंबर्स ऑफ क्या कर दिया, आपके जो ड्रॉप्स हैं उनको काउंट करना है। उसके बाद लिखो नीचे गामा वन अपॉन गामा टू इज इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूले में आप, गामा वन की और गामा टू की, गामा वन अपॉन गामा टू इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई आपकी,
गामा वन अपॉन गामा टू इज इक्वल टू रो वन वी इंटू जी अपॉन रो टू वी इंटू जी अपॉन टू पाई आर इंटू एन टू, है ना। अब आप देखो टू पाई आर से टू पाई आर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जो रेडियस है वॉल्यूम का वो तो सेम है ना, क्योंकि पिपेट का साइज तो नहीं बढ़ रहा है, वो तो सेम होगा आपका, ठीक है। दूसरा आपका वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, ग्रेविटी से आपका ग्रेविटी यानी कि जी से जी कट गया, क्या बचा आपके पास में वी वन, क्या बचा आपके पास गामा वन अपॉन गामा टू इज इक्वल टू रो वन अपॉन एन वन दोनों का अपॉन रो टू अपॉन एन टू, बचा ना यही बचा रो वन अपॉन एन वन अपॉन रो टू अपॉन एन टू। अब अगर हम इस एन को इसके इनटू में लेके जाएं और इसको इसके इनटू में लेके आए तो क्या हो जाएगा रो वन अपॉन रो टू इनटू एन टू अपॉन एन वन, ये लिखा है ना रो वन अपॉन रो टू इनटू एन टू अपॉन एन वन, इट मींस गामा वन अपॉन गामा टू इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन इंटू रो वन अपॉन रो टू, ये आपका क्या हो जाएगा ड्रॉप काउंट मेथड। इतना समझ आया आप लोगों को? ये आपका स्टेलेगमोमीटर है, ठीक है। ये बीच से क्या होता है आपका राउंड होता है, बाकी ऊपर नीचे इक्वल होता है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या किया दो आपके डैश बना दिए, आपका ए और एक आपका बी। ए आपका क्या हो गया फिल लाइन, क्योंकि आप क्या करते जब आप पिपेट को डालते हो किसमें अल्कोहल की या फिर आप सिंपल अगर बीकर में डालते हो वाटर को शक करने के लिए, तो उसको आप क्या करोगे पहले वाटर फिल करोगे तो आप यहाँ तक फिल करते हो उसको, ठीक है ना। तो उसका जो रेडियस है वो तो सेम रहेगा चाहे आप कोई सा भी लिक्विड ले लो। और दूसरा आपका बी पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है जिसके थ्रू आप क्या करते हो वाटर को या लिक्विड को लेते हो पिपेट के अंदर, ठीक है। अब आप लोगों को पता है जो फोर्स नीचे की साइड को लगता है उसे किसने हम कन्वर्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं एम जी। एम जी यानी कि क्या मतलब होता है एम का मास, हाँ ठीक है। और ऊपर वाला जो फोर्स आपका लगता है वो किस में लगता है ऊपर को जो फोर्स लगेगा वो किस में लगेगा वो सरफेस टेंशन है ना आपका जो ऊपर को लग रहा है, तो उसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हो गामा से, ये है ना आपका सरफेस टेंशन यानी कि गामा, जो कि आपका क्या हो जाएगा टू पाई आर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बस आपने से दो पीपेट ले ली है, एक में आपने वाटर फिल कर दिया है दूसरे पीपेट में आपने कोई अदर लिक्विड फिल कर दिया है, ठीक है ना। हमें सिर्फ उन दोनों में कंपेयर करना होता है कि आपकी जो वाटर की डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो आपके वाटर की जो ड्रॉप है उसका वेट प्लस आपके नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने प्रेजेंट हैं इसमें, और जो आपका अदर लिक्विड है यानी कि जो आपका क्या है एल्कोहल हो गया बेंजीन हो गया क्लोरोफॉर्म हो गया इथाइल एसीटेट हो गया उनमें, ठीक है ना, उनको हम कंपेयर करते हैं कि उसका वेट कितना है ड्रॉप्स का प्लस उसकी नंबर ऑफ काउंट यानी कि ड्रॉप्स कितनी है, उन्हें हम बस काउंट करते हैं यानी कि कंपेयर करते हैं, बाकी कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है इसका, उस पर तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, ठीक है। सिर्फ थियोरेटिकल है ये, इसको इतना ही समझो,
इतना समझ में आया? पक्का बता दो, नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगी। अब नेक्स्ट मेथड है आप लोगों का लिखो वेलिमी प्लेट मेथड, WILHELMY। WILHELMY वेलमी प्लेट मेथड। लिखा इतना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने कोई बीकर ले लिया सपोज, ठीक है ना, बीकर ले लिया या फिर कोई आपने पेट्री डिश या ये ले लिया है, इसमें आपने क्या किया है लिक्विड को भर दिया है उसमें, ठीक है। जैसे कि आपका ये डायग्राम है, दिखा, ये आपका एक बीकर सा हो जाता है, इसमें आपने कोई क्या बोलते हैं लिक्विड को फिल कर दिया है बीकर में, ठीक है ना। और इसके ऊपर आपने क्या कर दी, एक बहुत ही पतली सी बहुत हल्की सी प्लेट लगा दी है, जो कि आपकी एल्युमिनियम की भी हो सकती है और आपकी प्लेटिनम की प्लेट हो सकती है, ठीक है ना। और ऊपर से आपने इसे क्या कर दिया, एक थ्रेड से बांध देना है, ठीक है, थ्रेड से बांधोगे और इसमें आप साथ में क्या कर लोगे, एक बैलेंस यानी कि टाइमर नोट करने के लिए होता है ना, उससे आप लगा लोगे, ठीक है ना, स्केल भी बोल सकते हो उसे। तो हम क्या करते हैं इसमें, जो आप सरफेस में रख रहे हो किसी प्लेट को, लिक्विड के सरफेस पे रख रहे हो, ठीक है ना, तो हम उसे ऊपर से क्यों थ्रेड से पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या कंपेयर करना है, जो आपका फोर्स नीचे को लग रहा है, यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर जो फेस लग फोर्स लगता है, यानी कि ग्रेविटी का जो फोर्स नीचे को लगता है सरफेस टेंशन में, आपको मैंने बताया था कि जो हमारा क्या होता है नीचे को कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं खींचते हैं, पर ऊपर क्या होता है हमारा एयर रहती है, इस वजह से हमारा जो फोर्स होता है वो नीचे क्या ज़्यादा लगता है कंपेयर टू ऊपर के। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं अलग से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सरफेस टेंशन पे, हम क्या कर रहे हैं अलग से फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा, जो हमारा सरफेस टेंशन है कि जो हमारा नीचे का जो फोर्स है, जो मैंने आपको क्या बताया था mg बताया था, वो आपका कम लगता है, ठीक है, कंपेयर टू जो हमारा अपर साइड से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या चेक करते हैं कि हमारा अपर साइड को कितना फोर्स हुआ है, उससे हम क्या करेंगे मेज़र करते हैं, मतलब स्केल के थ्रू हम क्या करेंगे उसे मेज़र करते हैं। इसमें बस इतना ही है, इसमें लिखो WL माइनस W इज इक्वल टू 2 L प्लस T ब्रैकेट क्लोज करके गामा, लिखा WL माइनस W इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लिखना L प्लस T अपॉन गामा, सेम हो जाएगा, ठीक है, WL माइनस W इसके अपॉन में आ जाएगा और गामा आपका राइट साइड आ जाएगा, ठीक है। तो लिखो गामा इज इक्वल टू WL माइनस W अपॉन 2
एल प्लस टी। डब्ल्यू तो हमारा क्या हो गया, जो हमारा जो प्लेट है उस पर जो क्या हुआ वेट हुआ है कंपेयर टू एयर, हम क्योंकि ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ द प्लेट इन एयर। और डब्ल्यू एल इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ द बैलेंस, रीडिंग ऑफ द बैलेंस पीरियड ऑफ पीरियड टू डेट अटैचमेंट डी ई टी ए सी एच एम ई एन टी, रीडिंग ऑन द बैलेंस पीरियड। हेलो आ रही है आपको आवाज़? W इज इक्वल टू मैंने बोला वेट ऑफ द प्लेट इन एयर। यानी कि जब आपकी प्लेट क्या है केवल आपके सरफेस के ऊपर पे टिकी हुई है, ठीक है ना, यानी कि उसमें नीचे से जितना फोर्स लग रहा है और ऊपर से जितना लग रहा है उसके बीच का जो वेट है, यहाँ पे वो चीज़ बताई जा रही है अभी। और डब्ल्यू एल मतलब क्या होगा, जो आप फोर्स क्या कर रहे हो उस पर अप्लाई कर रहे हो ऊपर खींचने के लिए, ठीक है। रीडिंग ऑन द बैलेंस पीरियड टू डी मेंट डी ई टी ए सी एच एम ई एन टी, एल इज इक्वल टू लेंथ एंड टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट। इस मेथड से आप क्या करते हो, जो सरफेस टेंशन में जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है ना, उसको कंपेयर करते हो कि आपका जो क्या है मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है आपके लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर, उनके कंपैरिजन में जो फोर्स आपका बाहर की साइड को अप्लाई हो रहा है, यानी कि जो आपने थ्रेड लगा रखा है किसमें, जो आपकी प्लेटिनम की प्लेट है उस पर जो आप फोर्स बाहर को अप्लाई कर रहे हो, उन दोनों को कंपेयर करते हो कि सरफेस टेंशन में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी साइड से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका होता है ड्यू नोरी टेंसियोमीटर डी यू ड्यू एन ओ यू वाई नोई टेंसियोमीटर टी ई एन एस आई ओ एस आई ओ एम ई टी ई आर टेंसियोमीटर। सेम इसी की तरह ही इसका मेथड है, बस इसने क्या है हमने इसको प्लेट को क्या किया सरफेस पे रखा था प्लस हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया था, मतलब हमने हाथों से किया था, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, जो मैंने ड्यू नोरी टेंसियोमीटर बता रही हूँ ये आपकी क्या होती है एक मशीन होती है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो इस पूरे को मशीन के अंदर ही रख देते हो। ये डायग्राम दिखा आपको, दिखा हेलो हल्का हल्का सा दिख रहा होगा ना, केवल समझने के लिए तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो उसमें तो मैंने आपको क्या बीकर से बनाया था, उसमें एक प्लेट को क्या किया था सरफेस पे रखा था और थ्रेड की सहायता से उसको पकड़ रखा था, ठीक है। उसमें हमने साथ में क्या लगाया था कि स्केल लगाई थी ताकि वो क्या करे उसके फोर्स को काउंट कर सके। अभी आपकी पूरी एक मशीन सी होती है, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी के हम क्या करते हैं बीकर को रखते हैं कि लिक्विड सैंपल को रखेंगे, ऊपर से हमने एक लूप रखा है इसमें, ठीक है, जिससे कि आप प्लेटिनम लूप कहते हो, ठीक है। इसको आप क्या करोगे इसके सरफेस पे
रखते हो। दूसरा, इसमें ऑलरेडी एडजस्ट कर रखा है इसको, किसमें, ऊपर से एक नोब सी दे रखी है उसमें एडजस्ट करा हुआ है। और यहाँ से देखो आपकी स्केल बनी हुई है ना, कि उसमें जितना वेट लगेगा, अगर नीचे जाएगी तो ये चीज़ नीचे आएगा, मतलब जो इसकी स्केल है ठीक है, मेज़र करेगी इसके फोर्स को। अगर आप इसको ऊपर खींचते हो तो यहाँ से मेज़र करेगी। दूसरा, साथ में इसमें क्या होता है, एक एडजस्टमेंट नोब होता है, जिसे हम क्या करते हैं हाथ से घुमाते हैं, ताकि आप क्या करोगे उसे, जो आपकी क्या है लूप है प्लेटिनम की, जो आपकी लूप है उसे क्या करोगे, या तो आप लिक्विड के अंदर डालोगे या तो लिक्विड के बाहर लेके आओगे, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि पूरी आपकी क्या होती है ऑटोमेटिक की मशीन बनी होती है, हमें सिर्फ सैंपल रखना होता है और हमें लूप को क्या इसमें लगाना होता है, बाकी मशीन के थ्रू क्या, और ये ऑटोमेटिक ही एडजस्ट होता है और आपको इसकी जो रीडिंग होगी वो पता चल जाएगी। लेकिन इस केस में क्या था, हम लोगों को मैनुअल प्रोसेस करनी होती है, यानी कि क्या, आप लोगों ने इसमें प्लेट रखी है सरफेस पे, प्लस आपने ऊपर से थ्रेड लगा रखा है और आपने पकड़ रखा है उससे, हाथों से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना। इतना ही है, इसमें लिखो गामा इज इक्वल टू एफ अपॉन टू पाई आर, गामा इज इक्वल टू एफ अपॉन टू पाई आर, लिखा है ना। अब यहाँ पे आपको जो आर है उसे काउंट करना होता है, क्योंकि आपके जो रेडियस होता है वो दो टाइप का हो रहा है इसमें, एक तो आपका किस में हो रहा है सरफेस, आउटर सरफेस हो रहा है यानी कि जो लिक्विड के बाहर हो रहा है, दूसरा आपका कहाँ पे हो रहा है इनर सरफेस, यानी कि लिक्विड के अंदर जो उस पर फोर्स लग रहा है, जिससे कि आप कर क्या कर रहे हो, सरफेस टेंशन निकाल रहे हो, किसके थ्रू, बाय ड्यू नोई टेंशियोमीटर के थ्रू, ठीक है ना। तो इसमें लिखो गामा इज इक्वल टू एफ अपॉन, गामा इज इक्वल टू एफ अपॉन टू पाई ब्रैकेट में लिखना आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू। बुक में F के जगह पे P भी दे रखा है, तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। कई बार होता है ना बुक्स में डेरिवेशन तो सेम होते हैं, पर उसकी वैल्यूज़ अलग अलग पुट की हुई, तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, तो बुक में F के बदले P भी दे रखा होगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। R1 इज इक्वल टू, लिखो वेयर R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ आउटर सरफेस, रेडियस ऑफ आउटर सरफेस एंड आर टू इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इनर सरफेस, रेडियस ऑफ इनर सरफेस यानी कि जो लिक्विड के अंदर जो फोर्स लग रहा है लूप पे, ठीक है, प्लेटिनम लूप पे जो अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है, यानी कि जितना वो एरिया अंदर कवर कर रहा है वो, और जो आपका बाहर जो उसने कवर किया है उसमें कंपेयर करना है, ठीक है। इतना ही आपका ड्यू नोरी टेंशियोमीटर, अगर वैल्यू पुट भी करोगे तो इसी में ही वैल्यू पुट करनी है, फिर इसकी वैल्यू निकालनी है। दोनों ही मेथड आपके सेम थे, उसमें बस आपने क्या किया, मैनुअल प्रोसेस यानी कि आपने अपने हाथों से क्या किया, बीकर लिया है, बीकर में आपने क्या करा है,
कोई भी लिक्विड डाला है, ठीक है, उसके सरफेस पे आपने क्या कर दिए, एक एल्युमिनियम की प्लेट रख दी है या फिर आपने कोई प्लेटिनम की प्लेट रख, जो कि बहुत ही पतली से हल्की सी होती है, ठीक है, उसे आप लूप भी कह सकते हो, आपने वो रख देना है। साथ में आप क्या करोगे, उसके ऊपर एक थ्रेड लगा दोगे, यानी कि उसको अटैच कर लोगे थ्रेड से, और एक क्या कर लोगे, स्केल वहाँ पे अटैच कर लोगे उस थ्रेड पे, जिससे कि हम क्या कर सकें मेज़र कि आपकी जो क्या होती है प्लेट पे जो आपका फोर्स लगा है कहाँ पे इनर और आउटर, उसे मेज़र करते हो। और इसमें आपका सिंपली क्या है, मेथड तो सेम है, बस इसमें क्या कंपेयर हो रखा, केवल आपकी पूरी मशीन है, इसमें ऑटोमेटिक ही सब कुछ होता है, बस आपको क्या करना होता है, अपना लिक्विड सैंपल रखना होता है। अगर आपने सिंपल लिक्विड रखा है यानी कि वाटर रखा है, तब तो आप सरफेस से ही निकालोगे, है ना, जो आपकी सरफेस टेंशन यानी कि जो आपके ऊपर जो लेयर बनती है सरफेस पे वहाँ से। बट अगर आपने इसमें दो लिक्विड डाल दी जो कि आपके क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, अगर आप उनमें क्या करोगे, इमिसिबल लिक्विड में अगर आप इस लूप को डालोगे, तो जो आपकी अंदर वाली जो लेयर बन रही है यानी कि जो आपकी वाटर की प्लस आपका जो अदर लिक्विड है उनके बीच में जो लेयर बन रही है जिसे आप इंटरफेस कहते हो, ये वहाँ पे उस पर भी काम करता है, ठीक है ना। जो पहला वाला था वो केवल सरफेस टेंशन के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो ये दूसरा वाला मैंने आपको बताया है ये दोनों के लिए काम कर रहा है, यानी कि सरफेस टेंशन के लिए भी और इंटरफेशियल टेंशन के लिए भी। हम इसमें सरफेस पे जो टेंशन लग रही है यानी कि सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है, उसके साथ साथ जो इंटरफेशियल यानी कि जो बीच इमिसिबल जो लेयर होती है उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसे भी हम इससे क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, श्रुति बाबरा क्या बताया मैंने अभी तक? क्या बताया? अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, इतना याद रखना। और नहीं समझ आता तो बताया करो, पूछा करो, जब पूछोगे तभी तो बताऊंगी आके। और अगर मैं तुमसे पूछती नहीं तो फिर किसको बोलती रिपीट करने के लिए? कौन सा वाला रिपीट करना है? और उससे पहले का समझ में आ गया? मुझे समझाना उससे पहले का थोड़ा सा। चलो ड्रॉप काउंट मेथड ही समझा दो। श्रुति अच्छा डेरिवेशन क्या लिखा ड्रॉप काउंट मेथड में, वही बता दो, लिखा तो होगा।